बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से आमीन। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रीथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर मुतनफस खुदावंद की हमद करे, खुदावंद की हमद करो। इन द वेरी बिगिनिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आर ऑलमाइटी गॉड, द गॉड ऑफ ऑल नेशंस एंड आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड इन हिज नेम जनाब सदर जनाब डॉक्टर कबल फिरोज साहब सतारा इम्तियाज, मेहमान खसूसी जनाब महमूद शम साहेब और मेहमान एजाज जो कि जा चुकी हैं, मोहतरमा डॉक्टर सुग्रा सदर साहिबा और आप सब हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज है। इट इज अगेन माई प्रिविलेज टू बी हियर अमंग मोस्ट इंटेलिजेंट वेरी काइंड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड पीपल्स ऑफ दिस एज। सबसे पहले मैं साजिद पाल साजिद साहब का मशहूर हूं जो अदब की दुनिया में लगाया हुआ ऐसा शजर है जिनका साया और समरा बतदरीज तमाम दुनिया को मुस्तफीद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब स्वयंवर को जब लिखा तो अहले मोहब्बत की तर्जमानी की और जब कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम पर कलम उठाया तो अपने आलमी मुफक्कर अदबी और इंटेलेक्चुअल होने का सबूत दिया। साजिद पाल साजिद साहब बिलाशुबा एक आलमगीर शख्सियत है और उनका हमारे दरमियान होना नेमते खुदावंदी है क्योंकि वो हमेशा अमन और मोहब्बत की बात करते हैं। कसरे अदब के हवाले से भी कुछ कहना चाहूंगा। कसरे अदब की गुज़िश्ता तमाम काविशें और आज की ये कोशिश काबिले स्ताइश है। दुनिया में जितने कसरों के बारे में, मोहल्लात के बारे में, बादशाहों के बारे में हम सुनते हैं, जंगो जदल और तख्त ताज के बारे में कश्मकश रहती है, लेकिन वाहिद एक ये कसरे अदब है जो हमेशा हलीमी की मोहब्बत की बात करता है। तो इसलिए मेरी ये दुआ है कि इस कसरे अदब को खुदा और ज्यादा दुनिया में मोहब्बत और नसीहत का पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। इसके बाद आज की महफिल के दुल्हा जनाब मोहतरम डॉक्टर जिशान जूलियस साहब को तमजीद इलाही किताब के मुसन्नफ और खालिक होने के लिए और इस किताब की तकमील और तकरीब रूनुमाई पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। इसलिए कि तमजीद का मतलब है ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड और एजर्शन ऑफ ग्रेटनेस ऑफ गॉड। खुदा के बारे में लिखना बहुत बड़ा और मोजजाना काम है, इसलिए इस काम को करने वालों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि हमदो सना अबादत का एक अहम जुज है और इस जुज होने की वजह से आसमान की बादशाही जन्नत फिरदौस में दाखले का वसीला भी है। इसलिए जब भी हमदो सना या खुदा के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसको सही थियोलॉजी यानी इल्मे अलाहियात के मुताबिक होना चाहिए ताकि वो बंदगाने खुदा में मोहब्बत को बढ़ा सकें। एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, एक गीत है कि पाखरुआ मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा ही मंदिर। इसको हमें देखना है कि क्या ये थियोलॉजी के मुताबिक है या नहीं है। कल को लोग मंदिर को चर्च कहेंगे तो क्या ये ठीक है या नहीं है। जनाब डॉक्टर जिशान जूलियस साहब ने जो किताब लिखी है मैं ये उम्मीद करता हूं जितनी मैंने पढ़ी है इन नुकायद से पाक होगी। तमजीद इलाही में डॉक्टर जिशान जूलियस साहब ने कलाम मुकद्दस के बहुत ज्यादा हवाला जात कोट किए हैं। एक शेर आपकी नजर करता हूं, जैसे देग में से चावलों का एक दाना चेक करते हैं तो पूरी देग का अंदाजा हो जाता है। शेर है उनकी किताब का लिखा हुआ जो गीत का हिस्सा है। मजलूमा तो मुंह ना फेरी जे तू अखी देखें,
मजलूमा तो मुंह ना फेरी जे तू अखी वेखे लावी काहिन वांग ना करी रहम करी तू बंदिया। तो इस शेर में जो मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील से अखज है, डॉक्टर जिशान साहब ने कसरे अदब के वसीला से तमाम मजहबी और सियासी पेशवाओं से इल्तमास करके इनकलाबी और तब्दीली का एक मुतालबा किया है और ये कहा है कि तमाम इल्मे इलाहियात से जुड़े लोग मौजूदा दौर में बटी हुई, तकसीम शुदा, जख्मी और मुसीबत ज़दा और दुखी इंसानियत के लिए ऐसी तकरीरें, किताबें, अमल और तहरीरें लिखें जिनसे उनके जिस्म पर और उनकी इन सारी मुसीबतों पर मरहम लगाई जा सके। तो इस हवाले से ये किताब बहुत अहम है। आखिर में मेरी ये दुआ है कि ये किताब तमजीद इलाही ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत और तरक्की का बायस बने। और डॉक्टर जिशान साहब के लिए शेर है, वो शख्स के तारों के घिराने से उठा, वो शख्स के तारों के घिराने से उठा, आंख हैरान है कि क्या शख्स जमाने से उठा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रॉबिन जॉन साहब, आपकी मोहब्बत भरी बातों का खुदा ताला आपको खुश रखे। तो इस वक्त हम सुनेंगे मार्क एंथनी साहब से तमजीदे इलाही में से गीत वो पेश करेंगे, तमजीदे इलाही, जो कि आज की तकरीबे रोनुमाई का सबब है। तमजीदे इलाही उसमें से मार्क एंथनी साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पाकिस्तान है और बहुत अच्छा गाते हैं, आप सब जानते हैं, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं। खुदा ने बनाए जमीन आसमान, धरती पे था न वजूदो निशान, खुदा ने बनाए जमीन आसमान, धरती पे था न वजूदो निशान, तेरी थी बहाव में पानी भी था, तेरी थी बहाव में पानी भी था, जिस पे करता था जुम्बश जो रूहे खुदा, खुदा ने शाम से सुबह हुई दिल में पहरा हुआ, शाम से सुबह हुई दिल में पहरा हुआ, हर जाम मौजूद था वही रूहे खुदा, खुदा ने बनाए आसमान, धरती पे था न वजूदो निशान, तेरी थी बहाव में पानी भी था, तेरी थी बहाव में पानी भी था, जिस पे करता
जुम्बश गुरु है खुदा खुदा की बहुत शुक्रिया मार्क एंथनी साहब, उनके लिए बहुत सारी तालियां एक दफा के। डॉक्टर ज़ीशान जूलियस की किताब तमजीद इलाही की तकरीब रहनुमाई में जो मेहमान अभी तशरीफ लाए हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त हम सुनेंगे इजहार ख्याल मोहतरम यूनस वरियाम साहब से कि वो तमजीद इलाही के बारे में क्या सोच रखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब यूनस वरियाम साहब, ये बहुत बड़े गीत निगार हैं, इनके गीत मुख्तलिफ चैनल पर हम सुनते हैं और महजूज होते हैं, खुदा तआला इन्हें सलामत रखे। और मैं आपकी तालियों की गूंज में दावत दूंगा मोहतरम यूनस वरियाम साहब। बहुत शुक्रिया साजे पॉल साजे साहेब, मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी किताब पर अपना ज़ियार ख्याल कर सकूँ। जब मैंने साजे पॉल साजे साहब से फ़ोन पे इस किताब के बारे में सुना तो उनसे पूछा कि ये किताब किनकी है, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर ज़ीशान जूलियस साहब का बताया कि उनकी किताब है और गीतों की किताब है। मैं अपनी कम इलमी पे हैरान हुआ कि यार आज तक तो मैंने शायरी के हवाले से या गीत नगारी के हवाले से डॉक्टर ज़ीशान साहब का नाम नहीं सुना, मैं कितना कम इलम हूँ। और उन्होंने ये किताब लिख के हम सब लोगों के हाथ में दे दी है। बाद में जब ये दो दिन पहले साजे पॉल साजे साहब ये किताब मेरे हाथ में दे के गए तो इसको वर्गदानी की देखा तो मुझे यूं लगा ये डॉक्टर साहब या तो कहीं छुपके बैठे रहे हैं तो या फिर ये है कि ये इम्पोर्टेड डॉक्टर हैं कहीं बाहर से। इन्होंने इस किताब को इस तरीके से सजाया है कि ये अगर किसी को पता ना हो तो ये नया अहदनामा लगता है, देखने से ये नया अहदनामा लगता है। और ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये अपनी मार्केटिंग जो है या मार्केटिंग के हवाले से इन्होंने इस तरह से उसको इसकी स्याही को जो इस्तेमाल किया है, उसके जो मजल्लत इसको बनाया है, ये इन्होंने मार्केटिंग की है। और मैं डेविड दीवान साहब को और डॉक्टर साहब को इतनी बड़ी काविश के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब सदर और मौजूद मेहमाना ने ग्रामी, आपकी मौजूदगी में कुछ अर्ज करने से पेशतर साहिब किताब डॉक्टर ज़ीशान जूलियस को इस मसीही मजमूए कलाम तमजीद इलाही पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दानिश में मसीही शायरी की तारीख उतनी ही कदीम है जितनी के बाइबल मुकद्दस की तारीख, और इस हमदिया शायरी को हजरत दाऊद के दौर में बामे अरूज पर देखता हूँ। जब खुदा ताला ने अपने बरगजीदा पर अपनी तारीफ की इस कदर आमद फरमाई कि वो तमजीद इलाही की पहली बाकायदा काबिल शायद किताब बन गई और उसे जबूर का नाम दिया गया। आप अपने जबूरों में अक्सर फरमाते हैं खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। जनाब सदर, जब मैं इन अल्फाज पर गौर करता हूं तो इस जुमला की वसतों में खो जाता हूं, ये सोचता हूं कि नया गीत कैसे गाऊं। इसी सोच में गर्क एक दिन इस नतीजा पर पहुंचा कि नया गीत उस वक्त तक
लिखा या गाया नहीं जा सकता जब तक आप अपने ममदूह की जात के पहलुओं से वाकफियत नहीं रखते। जितनी वाकफियत रखेंगे उतनी ही उसकी हम्द कर सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी शख्सियत को किसी इजलास में बतौर सदर बुला लें और उसे कुर्सी सदारत संभालने की दावत देते वक्त उसका तारफ करवाते हुए तारफ करवाने वाले शख्स की कोशिश हो कि वह मजकूरा शख्सियत के हवाला से ज्यादा मालूमात हासिल करे ताकि बेहतरीन अंदाज में उसे खुशामदीद कहा जा सके। जी हाँ, जितना ज्यादा हम खुदा की जात से वाकिफ होते हैं उतनी ही ज्यादा हम उसकी तारीफ कर सकते हैं और यही तारीफ मसीही गीत और गजल कहलाती है। जब मैंने अपने इस खुद साख्ता पैमाना पर तमजीद इलाही को परखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। यकीन जानिए मुझे अपनी इस खुद साख्ता तारीफ की एक मजबूत दलील मिल गई। डॉक्टर ज़ीशान जूलियस के अशार पढ़कर खुदा की जात की बाबत उनके इल्म की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आपने तमजीद करते वक्त अपने ममदूह की जात के जिन नेहा पहलुओं को अयां किया है वो बगैर कुर्बत इलाही के मुमकिन ही नहीं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमजीद इलाही किताब की आज रुनुमाई हो चुकी, मैं डॉक्टर ज़ीशान को मुबारकबाद देता हूँ। कल रात काफ़ी देर तक मैंने इस किताब को देखा और चूंकि मेरा प्रोफेशन किताब है, किताब को देखने के मुख्तलिफ जाविये होते हैं। जिस तरह किताब शाया करने के मुख्तलिफ मकासिद होते हैं इसी तरह मुख्तलिफ कुतुब के कारीन भी मुख्तलिफ होते हैं। हर किताब हर कोई नहीं पढ़ता और गैर मुतालका किताब अगर कोई पढ़ता भी है तो उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मुख्तलिफ शुबाजात के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात जो है उनका इस्तेमाल बहुत मानी रखता है। पाकिस्तान में मौजूद मसीही लोग पंजाबी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में खुदा के कलाम से वाकिफ हैं, इसलिए ये किताब किसी भी मसीही के लिए बड़ी आसान है समझने के लिए। और इस बात पर भी मैं उन्हें दाद देता हूँ कि अगर मिश्रबंदी के एतबार से देखें, शायरी के एतबार से हम देखें तो काफ़ी ज़खीम किताब है जो आपने बहुत कम अरसे में तैयार की है। अगरचे तज़मीन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता लेकिन जो काम अपनी नौयत के एतबार से खूबसूरत हैं या फिर उन्हें हम नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं, उस जाविये से ये बेहतरीन काम है जो डॉक्टर ज़ीशान ने सरंजाम दिया है। मुख्तसरन मतलब ये किताब के जो दीगर जिन दोस्तों ने इजहार ख्याल फरमाया है या इस पर बातचीत की है वो आपको याद करवा चुके हैं कि डॉक्टर आईडी शहबाज उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में ऐसा ही काम जो है वो किया था जो आज तक हम सब के दरमियान मौजूद है। और अभी मैं नाम भूल गया हूँ, अभी एक भाई यहाँ पर इलाहियात के हवाले से अपनी राय देकर गए हैं कि उन्होंने इसे बड़ी इस पर बारीक भी नहीं की है और इलाहियात के मामलात में उन्होंने इसमें इस किताब में कोई नक्श नहीं देखा। तो ये मामला मेरे इल्म में नहीं है कि डॉक्टर ज़ीशान जब ये काम कर रहे थे कोई
थियोलॉजी उनके साथ था या वो किसी के साथ मशवरे में थे या नहीं थे। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें, इनमें से कोई भी किताब बांझ नहीं है, और जितने मसीही राइटर्स हैं, जितनी कुतुब इस वक्त तैयार हो रही हैं और जितने उनके तराजुम हो रहे हैं, वो सारी की सारी कुतुब बाइबल मुकद्दस में से निकल रही है। वो बाइबल मुकद्दस के मज़ामीन हैं जिनको ज़ब्त तहरीर में लाया जा रहा है। सो बहुत बड़ी हिम्मत की और जुर्रत की बात तो यह है कि डॉक्टर ज़ीशान ने किताब लिखने का फैसला उस वक्त किया और उन लोगों के लिए किया जिन्हें किताब पढ़ने से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कारी को किसी न किसी तौर पर कन्विंस करती हैं कि वो किताब पढ़ने की तरफ आए। अभी आपने मंदिर की एक मिसाल सुनी कि गीत में किसी ने मंदिर का जिक्र किया है कि बाकर हुआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर। तो मंदिर चूंकि बुतखाना है, वहां पर बुतों की पूजा होती है, इसलिए इस तशबीह को नापसंदीदा करार दिया गया है, जो कि ठीक बात भी है। खुदा बाप, खुदावंद यीशु और रूह कुदस में आप सबकी सलामती। गुड इवनिंग टू ऑल। इससे पेशकर के मैं कुछ बोलूं, मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी निशिस्तों पर खड़े हों, अपने चाचू मार्क से दरख्वास्त करूंगा कि वो हारमोनियम पे जरा आए और हम खुदा के हुजूर लहू की कुर्बानी गुजारें। अंग्रेज थे और वो वाहिद परहेज़गीर के थे जिन्होंने इस काविश को सरंजाम दिया। उन्हीं ने ज़बूर 150 की मंजूम अंदाज में ऐसे सारी कलीसिया के लिए रहनुमाई की जो तहसीन के लायक है। हर एक शै जो साह लेंदी गाए हमद या होवादी, हर एक शै जो साह लेंदी गाए हमद या होवादी। हर एक शै जो साह लेंदी गाए हमद या होवादी, हमद या होवादी ओ गाए गाए हमद यहोवादी, हमद यहोवादी ओ गाए गाए हमद यहोवादी। हालेलुया सना गाओ, हालेलुया सना गाओ, उसकी है कल बीच सदा, ओदी कुदरत दी फिजा विच गाओ से दी सना। हालेलुया सना गाओ, सना गाओ, आमीन। Please be seated. I would like my uncle Mark Anthony to sing one hymn in memory of my beloved mother, Mrs. Margaret Julius. Tera nahi hu desh, tera desh badi dur hai.
आई ज़ीशान, सन ऑफ जूलियस, सन ऑफ सैमुअल जूलियस, हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे, 7th of July 2022. On this occasion, where on my invitation, you found me worthy to come and participate in the inaugural ceremony of my handwritten book, Tamjeed-e-Ilahi, Glory to God. Every day, the Lord God Almighty created the wonderful living things. He spoke, it was good. Praise be to God, so is today. Achha hai, it is good. Firstly, I will thank my Heavenly Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit that He gave us this beautiful day. I am delightful, and so is my Father, my brothers and sisters. मैं शुक्रगुजार हूँ कादर मुतलक खुदा बाप का कि मैं ऐसी कारीगरी हूँ जो मसीह यसू में इस नेक अमल के लिए मखलूक हुआ हूँ, जो कि इल्म साबी की बदौलत खुदा का इरादा और मर्जी थी। ए खुदा बाप, बहरोबर कुल कायनात के खालिक, आपका शुक्र हो। ए खुदावंद यसु मसीह, कुदरत के बानी, इख्तियारे कुल, आपका शुक्र हो। ए रूहुल कुदस, मददगार बनीनो इंसान, आपका शुक्र हो। कदूस कदूस कदूस, जिंदगी खुदा बाप, खुदावंद यसु और रूहुल कुदस में ही सुकूनत करती है, और मोहब्बत खुदा बाप अजमत व फजीलत का मुंह बोलता सबूत है कि हम अगरचे गुनाहगार रही हैं तो भी खुदा बाप हमसे प्यार करता है और तौबा और नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। यह मोहब्बत का बरमला इजहार है कि खालिक़े हकीकी ने मुकद्दस आदम और मुकद्दसा हवा को मिट्टी से बनाया और उनके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुए, और उसी मोहब्बत की ये झलक है कि एक और मर्द और औरत को खुदा ने जोड़ा जो मेरे वालिद मोहतरम मिस्टर जूलियस सन ऑफ सैमुअल साजन हैं और वालदा मुतरमा मिसेज मार्गरेट जूलियस हैं, जिनको खुदा बाप ने अनगिनत नेमतों से नवाजा, जिनमें सिर फहरिस्त औलाद नरीना और बेटियां और पोते और पोती है। मेरा ताल्लुक भी इसी शजरे नसब से है कि मैं इस बाकमाल अच्छे दरख्त का फल हूं, क्योंकि जैसे दरख्त फल से पहचाना जाता है उसी तरह फल की भी मिठास, खूबसूरती, जायका अच्छे दरख्त से ही मुंसलिक है, और मेरी मंजूमे कलामे पाक की ये काविश नेक अमल जिसकी वजह तकमील आज बनी वो मेरे प्यारे डैडी जी और मम्मा जी की मरहूने मिन्नत है। आज गो के मेरी माँ हक्ताला की मर्जी के मुताबिक हमसे बिछड़ गई हैं और उनकी मोहब्बत से पुर एहसास उनकी याद और उनकी जगह आज भी खाली है और हमेशा रहेगी भी। तब भी ए पाक जात इलाही खुदा, आपका शुक्र हो। आई इंडीड वुड हैव बीन अ ग्रेट फीलिंग होल्डर टू सी दिस डे व्हेन आई हैड वुड हैव बीन एग्जाल्टेड टू सी माय स्ट्रगल बीइंग रियलाइज्ड। नेवरदलेस ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। मैं मशकूर ममनून हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की जनरल डायरेक्टर मोहतरमा डॉक्टर सबूरा सदफ का, जिन्होंने मेरी रूहानी तसनीफ का खैर मकदम किया, मेरी हौसला अफजाई की, इस तकरीब के निकाद में मेरा साथ दिया। इसके साथ साथ अदबी तंजीम के सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास अमीन साहब का और सदर मोहतरम जनाब साजिद पॉल साजिद साहब का, जिनके जेर साया ये तकरीब का इनकाद मुमकिन बना। मोहतरम जनाब साजिद साहब के लिए जितना भी कहा जाए कम है। वो आला जर साबे फहम इल्म व अदब से मामूर शख्सियत हैं, जिनको बतौर शायर सबसे पहले मैंने अपना मुसवदा पेश किया, तमजीदे इलाही खुदा का कलाम जो हर सबूत व गवाही से मुलब्बस है। इसमें पैदाइश से मुकाशफा तक
खुदाई बुजुर्ग और कादिर की हयात बख्श बातें हैं तखलीक के खुदा के बारे में, उस कादर मुतलिक के फरमानों एहकाम कवानीन और शरीयत वादे हैं, नबूवतें हैं, पेशन गोयां हैं, नसीहतें हैं, हिकमत खिर्द मार्फत हैं, सहाइफ अंबिया हैं, बरकात के राज हैं और खुशखबरी भी है। कलाम खुदा यसु की ज़मीनी मिशनरी है, रूहुल कुद्स का मसाव तहरीक है, गैर कौमों के लिए उम्मीद का पैगाम है, कलीसियाओं के लिए तंबी और तालीम है, मुकाशफात की कसरत है और आसमानी अब्दी जिंदगी की तस्वीर और हकीकत गो पैदाइश से मुकाशफा तक मरकूम कलाम खुदा का मंजूम मंजर है, जिनको हमद की शक्ल में मुझ आम उना चीज मुतनफस जी शान ने तकल्लुम किया है। मैं तो शायर भी नहीं हूं, पर मैं हरूफ बका को मंजर आम पर लाने की जसारत को आज तकमील कोमली जामा पे ना पाया। ग्लोरी टू गॉड। इस अदबी शोरा के फिरके से तो मेरा ताल्लुक नहीं, ना ही मुझमें शायराना जोको रसूख हैं, क्योंकि मैं इन कवायद जवाबित से मुकम्मल वाकफियत और इल्म नहीं रखता, लेकिन इसके कुछ जीने जरूर चढ़ पाया हूं, जिसमें मैं खराज तहसीन आई डी शहबाज साहब को पेश करूंगा। आई एम ऑनर्ड सर इंडीड टू हैव यू अमंगस्ट अस, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, आमीन। जीशान जूलियस ने बहुत गहरे लफ्जों में इजहार ख्याल किया, खुदा ताला आपको बरकत दे और अपने फजल का साया हमेशा आपके सर पर कायम रखे और आप इसी तरह खुदा ताला की मोहब्बत से सरफराज होते रहें। अहद रवा में जहाँ बातर की शरफरीनी बाम रूज पर है, वहीं जवान फिक्र शायर डॉक्टर ज़ीशान जूलियस मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हुए है। डॉक्टर ज़ीशान ने जुल्मतों के सितम ज़दा माहौल में गीतों के जो दीप रोशन किए हैं, उनकी रोशनी ने तीरगी को मात दे दी है। मजहब और एहतराम आदमियत के जज्बात ने उनके गीतों को अमर बना दिया है। उनकी मोहब्बतों के सामने नफरत की दीवारें गिरती चली जा रही हैं। इम्तदाद ज़माना की सारी साजिशें उनके कलम से मिटती दिखाई देती हैं। मसीह की सच्ची मोहब्बत और कलाम मुकद्दस पर पुख्ता ईमान ने उन्हें एक पारस बना दिया है। उनकी मसीही शायरी नफरत की स्याह कुव्वतों को शिकस्त फाश देकर अमन आश्ती का सूरज उगाती दिखाई देती है। और इस वक्त जो दोस्त हमारे इजहार ख्याल कर चुके हैं, उनमें पास्टर अरफान निशाद चौधरी साहब, और इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका कि बहुत ज़्यादा गीत इन्होंने लिखे और ये बहुत अच्छे गीत गाते भी हैं, और मैं इनसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि ज़ीशान के लिए भी वो तमजीद इलाही में से कुछ गीत ज़रूर कंपोज करें और गाएं। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा जनाब डेविड दीवान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। नराली कुतुब के डायरेक्टर हैं और इंचार्ज हैं, और जो हम ज़बूर की किताबें गिरजाघरों में पढ़ते हैं, गाते हैं जो मजामीर, और जो हमारे घरों में है सियालकोट की कन्वेंशन की किताब, तो ये उसके इंचार्ज हैं, और ये किताब, ये भी इसको एजाज़ हासिल है डॉक्टर ज़ीशान जूलियस को कि ये किताब इतने बड़े अदारे ने से इशात पजीर हुई, और इनकी मोहब्बत के लिए भी हम इनके शुक्रगुजार हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मोहतरम डेविड दीवान साहब। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं डॉक्टर ज़ीशान साहब की किताब के हवाले से यहाँ पे आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे सामने बैठना पड़ेगा, मैं तो समझता था मैं ज़ीशान साहब की किताब की इस टीम का एक अदना सा रुकन हूँ और मैं सामने बैठूँगा और बड़ी बड़ी हस्तियों से बातें सुनूँगा, लेकिन चलें। लेकिन आज मुझे एक और बात में भी खुशी हो रही है, 1966, 67, 68 के लगभग जब मैं पढ़ता था तो हमारी एक उस उस्ताद थी जो उर्दू पढ़ाती थी,
और उस वक़्त वो खड़ी होती थी और हम क्लास में बैठे होते थे, और आज मुझे एजाज़ है कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा, इनसे काफ़ी दरीने मरासम हैं चर्च के हवाले से भी, मुख्तलिफ ऐसी तकरीबात में मुलाकात होती रहती है। और जब ये किताब के सिलसिले में साजद साहब और महमूद साहब और ज़ीशान साहब और इनके वालिद साहब एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, तो मुझे नहीं पता था कि ये किताब क्या शक्ल व सूरत इख्तियार करेगी, क्योंकि उस वक़्त तो भी बातें थी हमारी, और फिर इन्होंने मसवदा दिया, फिर कंप्यूटर पे चढ़ा, और बस काफ़ी इधर उधर इधर उधर भाग दौड़ होती रही, और ये किताब आज हमारे हाथों में आई है। मुझे खुशी है अपने इदारे की तरफ से, इदारा निराली किताबों की तरफ से, कि हमने इस किताब को पब्लिश किया है। इसके लिए ISBN नंबर लिया है, और ये आज एक ज़बरदस्त किताब बनी है। यकीनन और भी मेहरबान जो हैं किताब के बारे में इजहारे ख्याल करेंगे। मैं तो ज़ीशान साहब की टीम का अदना सा रुकन हूँ, हमारी किताब है, मैं उसके बारे में खुद क्या कहूँ। मुझे खुशी होती है जब दूसरे, जैसे अभी यूनुस वरियाम साहब ने उसको सराहा, और बाकी भी दोस्तों ने, तो हम हाज़र हैं इस खिदमत के लिए। और भी कोई इस खिदमत को इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसमें शामिल हैं। मैं ज़ीशान साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब ये किताब का मसवदा आया तमजीद-ए-इलाही, तो मेरे दिल को बहुत लगा था। मैंने कहा कि लगता है ये कोई अनोखा ही काम है, और फिर हमने इसको देखा, और आज मार्क एंथनी साहब जब गा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। और यही हम बातें करते थे ज़ीशान साहब और हम, कि काश ये किताब जो है बहुत सारे चर्चेज में, बहुत सारे हाथों में, बहुत से मौसीकारों में, बहुत सी क्वायरों में चली जाए, और वो इसमें से गीत जो हैं कंपोज करें, गाएं, और इस तरह खुदावंद की तमजीद जो है वो करें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आपका जिस जिस कलीसिया से भी ताल्लुक है, मेहरबानी करके ये किताब लेके जाएं और इसको अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करवाएं, ताकि ज़ीशान जैसे और भी नौजवान जो नई पौध उठ रही है उनकी हौसला अफजाई हो, और वो इस फन को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो मैं ज़ीशान जूलियस को इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि उसने इस छोटी सी उम्र में 17 साल की रियासत से ये लिखा, और सबसे बड़ी बात ये कलाम पाक का मुताला किया, उसकी गहराइयों में गए, और जो कुछ उन्होंने सोचा समझा या जो कुछ उनके नज़ूल हुआ उसको अपने तौर पे उन्होंने बयान किया। और किताब लिखना मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी तैयारी में, इसके पहले इसको लिखा जाए, फिर उसकी तैयारी की जाए, फिर उसे इशारत के मराहल से गुजारा जाए, और फिर कहीं जाकर एक किताब जो है वो मंजरे आम पे आती है, और उसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है, और उन सब का जिक्र ज़ीशान ने किया। ज़ीशान शुक्रिया। और हमने देखा कि इस छोटी सी उम्र में, मेरे नज़दीक तो बहुत छोटी है, मैं 78 साल की हूँ, उस हिसाब से तो ये बहुत छोटा बच्चा है, तो इस उम्र में इतना लगाव कलाम मुकद्दस से होना, और उसको इतनी बारीकी से पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना, फिर अपने अल्फाज में ढालना, और फिर उसको जुर्रत करके सामने लाना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने सारे मराहल तय किए। अब आती है बात इशाअत की, और फिर ज़माना किताब शाया करना या कराना बहुत मुश्किल होता है, और खासा कीमती भी होता है, बहुत पैसे लगते हैं। डेविड साहब जानते हैं कि कब
कहां से ये सारी लागत चली और अब किस मकाम पे पहुंची है, और बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन मैं तराज तहसीन पेश करती हूँ और बल्कि मुबारकबाद पेश करती हूँ इनके वालिद साहब को कि जिन्होंने खंदा पेशानी से ये सारा काम जो है वो अपने जिम्मे लिया और उस पर सारा पैसा लगाया। और जब ये मेरे पास आए थे अपना मुसवदा लेकर इजहार ख्याल लिखने के लिए, तो मैंने ज़ीशान के चेहरे में तो जो चमक देखी, आंखों में जो चमक देखी और एक तरह का फख्र देखा, लेकिन इनके वालिद साहब की जो कैफियत थी वो काबिले दीद थी। वो इतने खुश थे कि उन्होंने जैसे कि बहुत बड़ा मार्का सर किया है, और हकीकत में उन्होंने ये मार्का सर किया कि उनकी ज़िंदगी में उनके बच्चे ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि आम तौर पर नौजवान उस मौजू की तरफ माइल ही नहीं होते। तो ये बहुत ही काबिल तहसीन बात है। मैं सलाम पेश करती हूँ जनाब जूली साहब को, और वालिदा साहिबा की तस्वीर देख के एक माँ के होते हुए मैंने महसूस किया कि बच्चे ने इस मौका पर अपनी वालिदा को जो खराज अकीदत पेश किया है वो यकीनन मुस्तहसन है, और इसके लिए हम बच्चे को भी मुबारकबाद देते हैं और उस माँ को भी मुबारकबाद देते हैं जिसकी परवरिश और तरबियत से ये बच्चा इस राह पे चला। तो खुदावंद का बहुत शुक्र। और अब हम आते हैं कसर अदब की तरफ। ये उनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने हमें ये एजाज बख्शा कि हम इजहार ख्याल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और साजिद साहब की काविशों को मैंने देखा कि बार बार उनका फोन आता था, बार बार पूछते थे आ रहे हो, बोलोगे, और फ्लांशक्स आ रहा है। तो ये सारी जो आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस भाग दौड़ में, आप लोगों को इकट्ठा करने में, बुलाने में, और सबसे उनसे मालूम करने में कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, साजिद साहब जो हैं ये पेश थे। और कसरे अदब की इस तकरीर की कामयाबी के लिए साजिद साहब ने आपको बहुत शुक्रिया करती हूँ। जब ये मेरे पास किताब लेके आए ज़ीशान, तो पहली बात मैंने इनको कही कि ये रंग मुझे बहुत पसंद है, तुमने तो शाही रंग लिया है और उसके ऊपर तमजीद इलाही जो सुनहरे हरूफ में लिखा गया है, ये जो इम्तिज़ाज है ये इतना खूबसूरत और मानीखेज है कि इसको देखते ही मालूम हो जाता है कि ये खुदा की उस बादशाही की तैयारी है जिसके लिए के हम बुलाए गए हैं। तो खुदावंद इनको बहुत बरकत दे, और डेविड दीवान साहब को भी जिनके साथ मिल के इन लोगों ने ये सिलसिले का इंतखाब किया। इसके बारे में यूनुस रियान साहब ने बहुत अच्छा ख्याल जाहिर किया है। तो अब आते हैं किताब की तरफ, तमजीद इलाही। और मेरा जो यहाँ मज़मून मौजूद है मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगी। शायरी इल्हाम के किसी दर्जा पर फाइज कलाम का नाम है, जिससे रूहानी सुरूर और इरफानी मसर्रत हासिल होती है। डॉक्टर ज़ीशान जूलियस की शायरी में फिक्री लिहाज से एक अमीक गहराई दिखाई देती है जिसकी मुहर्रत किताबे मुकद्दस है। मौजूदा दौर में जबकि जमाना कयामत की चाल चल गया है, हमारे नौजवान इसका साथ देते देते बहुत दूर निकल गए हैं। मौजूदा दौर में आप देखते हैं कि नौजवानों की प्रवेश जो है वो कहां से कहां तक पहुंची है, और हालात जो हैं वो किस हद तक बिगड़ चुके हैं, और नौजवानों को वापस खुदावंद की तरफ लाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसमें जो
लोग ये काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि ख्यालात को बदलना और ज़माने के साथ चलते हुए बच्चों को उस राह पे चलाना जिस पे के उसको चलना चाहिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ीशान को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बल्कि वो बहुत ही उस राह पर चल दिए जिस राह पर उनकी परवरिश उनके वालिदैन ने की थी। तो इसके लिए एक बहुत खुश आइन बात है और मैं सोचती हूँ कि अगर ये किताब मंजर आम पे आ गई है और इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है तो यकीनन जब जिन बच्चों के दिल में शौक पैदा होगा इस किताब को पढ़ने का तो वो खुद भी जिनके अंदर खुदा ने नेमतें दी हैं वो अपनी नेमतों को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और जितने वालिदैन यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो उसको उभारने के लिए उसको दबाने के बजाय और ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई करें ताकि इस तरह के मज़ीद ख्यालात जो हैं वो आए मंजरे आम पर और लोग उनसे मुस्तफीद हों। डॉक्टर ज़ीशान की काविश तमजीद इलाही एक ऐसा मीनारे नूर है जिसकी रोशनी दूर से राह हक और जिंदगी के मुतलाशी को मंजिल का निशान दिखाती है। डॉक्टर ज़ीशान जूलियस ने मसरूफ तरीन नौजवान होने के बावजूद मसरूफ तरीन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जॉब भी करते हैं और इनकी दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं जिनको निभाते हुए के बावजूद उन्होंने अपना वक्त जो है खुदावंद को दिया। दुआ है कि इनका मजमुआ कलाम तमजीद इलाही दुनियाए अदब में बड़े वक्कार के साथ मकबूल और मारूफ हो। इनके ये नए गीत पढ़ने और गाने वालों की रूहानी आसूदगी का सबब ठहरे। आमीन। आज एक तकरीब जिसे मैं मुकद्दस महफिल के नाम से याद करता हूँ वो है तमजीद इलाही। ये एक ऐसी तसनीफ है जिसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये खुदावंद की हमदो सना के लिए तहरीर की गई है और इस काविश पर मैं डॉक्टर ज़ीशान बेटे को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके वालिद मोहतरम जनाब जूलियस साहब को उनके बहनों को भाइयों को और अजीजों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने हर कदम पर इस नौजवान की मुआवनत की सरपरस्ती की और हर तरह से इनके शाना बशाना काम करते रहे। डॉक्टर ज़ीशान एक ऐसा नौजवान है ऐसा मसीही नौजवान है जिसने कलाम मुकद्दस के मुताले से और 16 साल की रियाजत के बाद अपना हिस्सा जो चुना है वो काबिले तहसीन है और वो हिस्सा है तमजीद इलाही करना। यानी ये नाम अट्रैक्ट करता है हर उस शख्स को जो खुदावंद से मोहब्बत रखता है प्यार करता है और कलाम खुदा की ताजीम और तकरीम करता है। पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को इस तरीके से उन्होंने अपने मंजूम ख्यालात से अपने वीएन से संवारने की कोशिश की है। मैं इनको नौ मौलूद या नौखेज लिखारी के तौर पर तो कह सकता हूँ, इनको अभी मैं एक शायर की हैसियत से इनको नहीं अभी कह सकता कि भाई ये शायरों के या अदबी कबीले में शामिल हुए हैं। ये एक नौ जायदा
राइटर हैं, शायर हैं, लेकिन इनकी जो इनका जो वीएन है, जो इनका मरकजी ख्याल है, वो बाइबल मुकद्दस और खुदावन की तमजीद और ताजीम जो है उसको उजागर करना है। आज के दौर में जैसे कहा जाता है कि जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान हैं जो मसीह को याद करते हैं। तो ये नौजवान जो है, ये बच्चा जो है, इसने सिर्फ हमें याद नहीं किया, अपने खुदावन को याद किया है। एक बहुत अच्छा हिस्सा इसने चुन लिया है, अपने माँ बाप को याद किया है, अपने अजीजों बहन भाइयों को याद किया है। और ये बच्चा मैंने देखा है कि बहुत फर्मा बरदार है, बा अदब है, सबमिसिव है, और अपने खानदान की मदद करने के लिए, उनकी मुआवनत करने के लिए हमतन तैयार रहता है। इसके लिए मैं उसके खानदान को और उसको मुबारकबाद देता हूँ, और इस बच्चे की उम्र की दराजी और चाहता हूँ, और इस काविश पर इसको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बातचीनों हजरात, आपको बैठे बहुत वक्त गुजर चुका है, मेरा ख्याल है खासे उकता चुके होंगे। बहरहाल सदर की बारी आखिर में आती है, तो अब तो आपको मुझे भी थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ेगा। तो ख़वातीन हज़रात, पहले इस किताब के बारे में बात करते हैं। ये किताब तमजीद इलाही डॉक्टर ज़ीशान साहब की किताब है, तो इस पर ये तशरीफ लाए मेरे पास अपने वालिद साहब के साथ। और ये मेरे पास मेरी रिहाइश पर तशरीफ लाए कि मैं इस पर दिबाचा लिख दूँ। मैंने इस किताब को देखा और फिर इस पर मैंने दिबाचा लिखा, और उसमें कई बातें ऐसी थी मैंने लिखी कि ये मंजूम करने की जो रवायत है कलाम मुकद्दस को, ये हमारे यहाँ जबूर की किताब से, पंजाबी जबूर की किताब से चली। फिर उसके बाद जो सबसे पहले अंजील मुकद्दस का मत्ती की अंजील से लेकर मुकाशफा तक जोशवा फजलदीन साहब ने मंजूम तर्जमा किया मत्ती की, और इसका हवाला मैंने अपने इस दिबाचे में दिया हुआ है। और उन्होंने इमसाल की किताब और गजल व गजलात का भी पंजाबी में मंजूम तर्जमा किया। मंजूम तर्जमा करना खासा मुश्किल काम है, इसलिए एक सहूलत तो होती है कि एक कलाम मुकद्दस को मंजूम करना इसलिए एक एतबार से आसान होता है कि आपके पास मवाद होता है। आम शेर कहने के लिए आपको आमद का इंतजार करना पड़ता है, अपने मुताले का जो कुछ जहन में होता है उसके हवाले से बात करनी होती है। लेकिन कलाम मुकद्दस को तर्जमा करने के लिए आपको कलाम मौजूद होता है, उसको मंजूम करना होता है, यानी अल्फाज की दरोबस्त को, जिसे हम शायरी कहते हैं कि मवाद मौजूद है उसको आप नज़म करते रहें। ऐसे ही है जैसे आपको कोई शख्स एक थॉट दे दे कि इस तरह लिखें, तो वो आप शेर कह देते हैं। इसी तरह ये कलाम मुकद्दस, मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त ने, डॉक्टर साहब ने इस किताब में खूबसूरत तरीके से कलाम मुकद्दस को मंजूम करने का जो काम किया है, मैं उसके लिए इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सुगरा सदफ भी मुबारकबाद की मुस्ताक हैं कि उन्होंने इस तकरीब में बतौर मेहमान एजाज शिरकत की और हमें मौका दिया
कि हम इस किताब की तकरीब रूनुमाई यहाँ मुनक्कत करें। तो मेरा ख्याल है कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा आपको अपनी मोहब्बतों और बरकतों के साए में रखे। आमीन। आइए हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए अपने सर को झुकाएं, क्योंकि हमारा खुदावंद अपने वादों में सच्चा और कादर है। और उसने खुद फरमाया, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर हूंगा। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू तमाम बनी नौ इंसान का खालिक और मालिक है, और तूने हर एक इंसान को एक खास मकसद से इस दुनिया में पैदा किया है। हर एक इंसान में तूने खास सलाहियतें पैदा की हैं, और खुदावंद तू चाहता है कि हर एक इंसान उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और तेरे डर और खौफ में जिंदगी बसर करे। आज की सारी तकरीब के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं, और खास तौर पर खुदावंद डॉक्टर ज़ीशान जूलियस के लिए कि जिन्होंने खुदावंद अपने अंदर तेरी दी हुई सलाहियतों को पहचाना और खुदावंद उसके मुताबिक उन्होंने इस किताब को लिखा। ऐ खुदावंद, जितने भी लोग इस किताब को पढ़ें, वो इसमें से अपने लिए और ज्यादा एक मुस्बत सबक सीखते रहें। और खुदावंद तेरे बंदे को तेरे हाथों में देते हैं कि और खुदावंद जब लिखता है, तू खुदावंद रोज बरोज उसे पाक रूह के वसीले से अच्छे ख्याल दे। और इस बुक को भी खुदावंद वो जब रिव्यू करता है, तो खुदावंद और ज्यादा इसको दूसरों के लिए बाइस से बरकत बना सके। और आज की सारी तकरीब में जितने भी लोग खुदावंद शरीक हुए हैं, उन सब के लिए भी तेरा शुक्र हो। हर एक का एक दूसरे के साथ मिलना, रफाकत रखना, खुदावंद हमारे ईमान और खुदावंद रफाकत का बाइस बनता रहे। और आज की इस तकरीब के इख्तिताम को मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह अल-कुद्स के नाम से बरकत देता हूँ। तब खुदावंद के एहतराम में खड़े हों और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर को मुआफ कर, कि हम भी अपने कसूरवार को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और तमाम हाजिर लोगों के साथ, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ, और खुदा उस सारी खुराक के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो आज खुदावंद ज़ीशान जूलियस के खानदान ने सब लोगों के लिए तैयार करवाई है। उस खुराक पर भी खुदावंद तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगली जिंदगी का वारिस बनना चाहे बंदिया, अगली जिंदगी का वारिस बनना चाहे बंदिया, रब के नाल मोहब्बत रखी, रब के नाल मोहब्बत रखी, दिलो जान समझ नाल बंदिया, अगली जिंदगी का वारिस बनना चाहे बंदिया। Thank you.
सदा करी मोहब्बत अदावत दे तू बदले सदा करी मोहब्बत अदावत दे तू बदले सदा करी मोहब्बत अदावत दे तू बदले तहकीर तलानत हर किस ना करी बरकत चाही बंदिया तहकीर तलानत हर किस ना करी बरकत चाही बंदिया रब दे नाल मोहब्बत रखी रब दे नाल मोहब्बत रखी दिल जान समझ नाल बंदिया अब जिस जीदा जे वारस बनना चाहे बंदिया बनना चाहे बंदिया।